नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही श्रद्धालु माता शक्ति की भक्ति में लीन हो गए। गुरुवार को शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही नौ नगरी जमशेदपुर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ी। पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से की। साक्षी के मनोकामना मंदिर में माता की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी माँ दुर्गा की आराधना में लीन दिखाई पड़े। दुर्गा पूजा के पहले दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। भक्तों का मानना है कि माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से माता घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। बता दें कि दुर्गा पूजा भारतीय सनातन संस्कृति के कई महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। ये पर्व देवी शक्ति के उपासक द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में धार्मिक सद्भावना का माहौल पैदा करना और वासुदेव कुटुम्बकम की विचारधारा को अपनाना होता है। दुर्गा पूजा को लेकर महालय आरंभ हो चुका है, जिसका प्रथम दिन जमशेदपुर के साक्षी दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री का पूजन किया गया। इस मौके पर जल यात्रा निकाली गई, जिसमें 1100 करश स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर मंदिर में स्थापित की गई। प्रथम दिन के पूजन को लेकर आचार्य सर्वश्रेष्ठ बबलू पांडे ने पूजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रथम दिन शैलपुत्री देवी का आह्वान, स्थापना पूजा, पंचांग पूजन, ध्वजारोहण, जल यात्रा, घट स्थापना, देवी स्थापन, दैनिक पूजन, पाठ प्रारंभ, आरती पूजन के साथ पुष्पांजलि संपन्न कराई गई। वहीं कल दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाएगी। जब गाता के साथ यहाँ का प्रारंभ हुआ है, कुछ देर के बाद सपना होगा, सारे देवी देवताओं का पूजा आह्वान होगा, माता जी का पाठ प्रारंभ हो जाएगा और ये हमारे मनोकामना मंदिर सारे भक्तों के लिए मंगलमय का प्रतीक है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं बाबा भोलेनाथ और माता दुर्गा, उनकी सारी इच्छा पूरी करती है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा 9 दिन तक। क्या नाम हुआ आपके? दिगंबर बाबा। दिगंबर बाबा। मेरा नाम संजीव सिंह है। संजीव सिंह है। आज कलश स्थापना मनोकामना मंदिर में किस तरीके से होता है? ऐसा है कि हर साल के भांति हम लोग इस बार भी कलश की स्थापना बहुत धूमधाम से मर्यादा पूर्ण कर रहे हैं, और कोलाहल में मेरे ख्याल से और झारखंड में इतना ज्यादा कलश का कहीं भी पता नहीं जाता होगा। भयंकर भीड़ भाड़ के साथ हम लोग गाजे बाजे ढोल नगाड़ा के साथ कलश स्थापना करते हैं। 9 दिन माता का पूजा आराधना हम लोग संयम के साथ पूजा करते हैं। भोग भी बांटते हैं, इस तरह से पूजा का आयोजन करते हैं। माँ से कामना करते हैं पूरा कोलाहल अखंडवासी के लिए सब सुख समृद्धि लेके आए, और यहाँ के आदमी को सुख समृद्धि, यहाँ के पब्लिक ढंग से पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करे। कलश स्थापना का महत्व, कलश स्थापना का महत्व ये है कि हम लोग यहाँ ये कलश स्थापना 9 दिन के लिए होता है, और इसमें मैया का बहुत बड़ा त्यौहार है। दुर्गा पूजा हम हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार है, और कलश का स्थापना करके हम लोग 9 दिन मैया का पूजा आराधना करते हैं, इसका बहुत बड़ा एक मर्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है। Oh,